स्पेशली अनुराधा नक्षत्र में गुरु का गोचर क्या फलदायी होगा वो सुनील जी आज बताएंगे हमें। इसी कारण से ये पित्त के कारक भी है। पराशर ने तो इसको दंभी भी बोला है, राधा का अनुसरण, अनुराधा जी जी, जो राधा का अनुसरण कर रही है वो अनुराधा है। Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Hello and welcome to Saptarishis Astrology YouTube channel. और आज मेरे साथ हैं सुनील कौशिक जी। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार नवीन भाई, नमस्कार। आप सुनाइए, क्या हालचाल हैं आपके? एकदम बढ़िया सर, आप बताइए। जी नवीन जी, जी। और आज का टॉपिक बहुत खास है क्योंकि गोचर के ऊपर सभी लोग जानना चाहते हैं कि गुरु का गोचर वृश्चिक राशि में कैसा उनके लिए रहेगा, और अभी गुरु अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं, तो स्पेशली अनुराधा नक्षत्र में गुरु का गोचर क्या फलदायी होगा वो सुनील जी आज बताएंगे हमें। सर प्लीज। भाई रोचक तो सारे विषय हैं और रोचक बनाने वाले आप हैं और सुनील जी जॉन साहब हैं। पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, रोचकता तो आपने बनाई है इसके अंदर। देखिए, जैसे पिछली बार बताया था कि किसी भी ग्रह को समझने के लिए, उसके गोचर को समझने के लिए पहले ग्रह को समझ लेना चाहिए। बृहस्पति कौन है आज पहले 2 मिनट इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बृहस्पति कैसे उत्पन्न हुए, क्या इनके पीछे प्रयोजन, वो बृहस्पति को समझ लेना चाहिए। ऋषि अंगिरा, जिनको अंगिरस बोलते हैं, जब इनकी संगनी ने इनको बोला कि एक पुत्र होना चाहिए मेधावी, तो जैसे कि पिछले सूत्र में भी बताया था कि पुलोमा ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो पुत्र कामना की वजह से बृहस्पति का उदय होता है। बृहस्पति अंगिरा के पुत्र हैं, ये आशीर्वाद स्वरूप अंगिरा की देव, जो बृहस्पति की देव माता थी वो थी श्रद्धा। तो पहले उन्होंने अपने जीवन साथी से आग्रह किया, ऋषि अंगिरा से, अंगिरस, कि मुझे एक मेधावी पुत्र चाहिए। मेधावी पुत्र की कामना के लिए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ऋषि अंगिरा ने अग्नि का हवन किया। बृहस्पति अग्निहोत्र हैं एक तरीके से ये समझ लीजिए, और इसी कारण से ये पित्त के कारक भी हैं। मंगल, सूर्य, बृहस्पति, ये पित्त कारक ग्रह भी है। भोजन को पचाने की व्यवस्था इन्हीं ग्रहों के पास है, क्योंकि पित्त भोजन को पचाता है। तो जब श्रद्धा और अंगिरस के मिलन स्वरूप बृहस्पति पैदा हुए, तो उन बृहस्पति को नारद मुनि ने आके देवताओं के लिए मांगा। नारद मुनि ने आके क्या कहा अंगिरा से, कि मैं चाहता हूं इस संसार में देवताओं की सत्ता बनी रहे, इसलिए आपके जो मेधावी पुत्र हैं, अगर आप मेरे को आशीर्वाद दें या मेरे को अपना आदेश दें, तो मैं इंद्र से जाके कहूं कि इनको अपनी देव सभा के अंदर अपना गुरु नियुक्त कर ले। भगवान का प्रयोजन अपने आप में बड़ा विलक्षित है, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ है सृष्टि का। मान लीजिए आज हमारे साथ कोई सौभाग्यकारी घटना है, या ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना जो हमें अप्रिय लगती है, तो आज शायद हम उसके परिणाम ना समझ पाए, आने वाले 2 साल 10 साल बाद हमें ये महसूस होगा कि भगवान ने उस घटना को इस घटना से जोड़ के बनाया था, अगर वो ना होता तो आज ये ना होता।
तो इसका अर्थ हुआ हर घटना अपने आप में एक पूरक है। देखिए, किसी के जाने से दुख जरूर होता है, लेकिन ये भी सच है कि फिर उसके बाद व्यक्ति को अपने आप खड़ा भी होना पड़ता है। तो बहुत पहले जब हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो उस समय तो शायद ऐसा लगा कि जिंदगी में ये क्या हुआ, लेकिन शायद उसके साथ साथ हमें जीवन में बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली। तो हर घटना एक दूसरे की पूरक है और वो आगे बढ़ने का मौका देती है। ऋषि अंगिरा और श्रद्धा के मिलन से बृहस्पति का उत्पन्न हुआ और बृहस्पति को लेके नारद मुनि इंद्र की सभा में जाके उन्होंने उनको उनका गुरु अनुमोदित किया कि मैं आपके लिए गुरु लेके आया। बृहस्पति को देख के इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा तो बहुत ही अच्छा है, धर्म की आगे बढ़ावे के लिए, धर्म ध्वज बनाने के लिए हम बृहस्पति को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, आज से हमारे ये देव गुरु कहलाएंगे। अब देखिए, देव गुरु हैं तो जो धर्म के तीन राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, मेष भी धर्म की राशि है, सिंह भी धर्म की राशि है और धनु भी धर्म की राशि है। शक्ति इनकी स्टेप बाय स्टेप पड़ रही है। एक का धर्म शक्ति है, दूसरे का धर्म शासन है और तीसरे का धर्म समाज कल्याण है। तो इसी प्रकार से बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो है मीन, ये मोक्ष की राशि है। मोक्ष की फिर तीन राशियां हैं, पहला मोक्ष परिवार के लिए है, दूसरा मोक्ष समाधि के लिए है और तीसरा मोक्ष समाज कल्याण के लिए। कर्क, वृश्चिक और मीन, हर राशि अपने प्योरिफाई साइन की तरफ बढ़ती है। जैसे समझ लीजिए, पहले ये से छाना, फिर ऐसे छाना, फिर ऐसे छाना। कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह, धनु, बृहस्पति को दो साइन मिले हैं प्योरेस्ट, एक धनु, ये धर्म का उत्कृष्ट साइन है जी। मीन यह मोक्ष का उत्कृष्ट राशि है। तो बृहस्पति को जब दोनों ही इतने विशेष साइन मिले हैं तो जाहिर सी बात है ये धर्म ध्वज है, और धर्म ध्वज है तो उनका गोचर, देखिए बृहस्पति के गोचर से ही कुंभ लगता है, ये तो आप जानते ही हैं। बृहस्पति घूम के कुंभ राशियों में आता है, अर्ध कुंभी, कुंभी, तो कुंभ का भी अर्थ क्या है? देखिए वैसे तो कुंभ से ही कुंभ बना हुआ है, तो इस जब जहां कुंभ प्रसंग पड़ेंगे वहां पे आएगा कि धर्म की जो नगरियां हैं जहां जहां उनका देवताओं का जल छिड़का हुआ है, भागते जल गिरा है वहां पे कुंभ लगता है। तो इसका अर्थ हुआ कि बृहस्पति धर्म ध्वज है। जैसे हमने पीछे एपिसोड में, शुक्र के एपिसोड में हमने बताया था कि जब शुक्र वक्री हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है शुक्र से संबंधित कुछ घटनाएं लौट लौट के आएंगी। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने घटनाएं सुनी भी हैं, अब उनके ऊपर चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन सुना तो है हमने जी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सूर्य से जरूर राजसत्ता आती है लेकिन शुक्र से आईएएस और बड़ी शक्तियां बनती हैं जी। अभी आप उसके बारे में भी आप देख रहे हैं कि शुक्र के वक्रत्व के कारण से कई मेदिनी ज्योतिष के अंदर घटनाएं घट रही है जी। इस प्रकार से जाहिर सी बात है बृहस्पति से संबंधित भी घटनाएं एक के बाद एक स्टेप लेना शुरू करेंगी और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति वृश्चिक राशि के अंदर तीन नक्षत्रों को पार करेंगे, जैसे कि अभी आपने कहा एक नक्षत्र ये लगभग पार करने वाले हैं और जब तक हमारा शायद ये एपिसोड आएगा पार कर चुके होंगे। जो विशाखा है, विशाखा क्या है, ये इंद्राग्नि है, मतलब इसके दो देवता हैं इंद्र और अग्नि। तो इसके अंदर जल भी छुपा हुआ है और इसके अंदर अग्नि भी छुपी है, मतलब ये ही नहीं पता कि हो क्या रहा है। दो, धन्यवाद नवीन भाई, ये दिखा देंगे आप तो अच्छा रहेगा। विशाखा देखिए, इसमें इंद्र भी है और अग्नि भी है, दोनों चित्रों को देखेंगे आप, इसमें इंद्र भी है अग्नि भी है सर, और बृहस्पति जैसा मैंने बताया था ये कैबिनेट है,
क्या चल रहा है अभी कुछ पता ही नहीं है। इंद्राग्नि विशाखा बृहस्पति का सबसे ज्यादा सावधानी पूर्वक नक्षत्र है, इसको बड़ा सावधानी से ही समझना चाहिए। मन में क्या चल रहा है थोड़ा पता नहीं लग पाता है। पराशर ने तो इसको दंभी भी बोला है, जो विशाखा नक्षत्र है इसको दंभी बोला है, अभिमान में भरा हुआ। इसका दोहरा चरित्र बताया है, पता नहीं लग पाता कि इसमें चल क्या रहा है, ये सब पराशर कहते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये वैसे तो घर के आगे बंधने वाली वंदन वार है स्वागत के लिए, लेकिन पता लगा स्वागत एंट्री अंदर करते ही जो है ना दिक्कत शुरू हो भी सकती है। इसलिए इसके जो स्वामी है वो इंद्राग्नि है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जल की सेवा और अग्नि की सेवा, अग्नि का सम्मान और जल का सम्मान समय समय पे करने से। देखिए गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कब होता है, जैसे बृहस्पति का गोचर है वैसे तो सभी के ऊपर इसके असर देखने को मिलेंगे, लेकिन जो धनु लगन में पैदा है, मीन लगन में पैदा है, जिनकी दशा महादशा बृहस्पति की चल रही है, अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बृहस्पति का गोचर। किसी या जैसे आत्मकारक बृहस्पति है तो उनके लिए अपने आप में बृहस्पति का गोचर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उनको थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो है बृहस्पति गोचर करेंगे अनुराधा नक्षत्र के अंदर। इससे आगे अनुराधा जी, अनुराधा क्या है नक्षत्रों के अंदर, इसको लड़ी बताया है और भगवान विष्णु की कमर पेटिका बताया है। भगवान विष्णु के दोनों ऐसे कमर बंद जो पेटिका लपटी हुई है वो है अनुराधा। अपने अपने मत है, और भी कहीं इसको कुछ और भी बताया हुआ, अर्थ इसका ये लिखा हुआ है कि मणि जड़ी हुई कमरबंद है ये। तो जब ये मणि जड़ी हुई कमरबंद है तो जाहिर सी बात है ये रुपयों से भरा हुआ एक सामान है। एक जगह से चावल की ढेरी भी बताया है। चावल हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही शुभ, ज्योतिष शास्त्र के अंदर नहीं भोजन के अंदर एक बहुत ही शुभ वस्तु है धान। आप जहां भी पढ़ेंगे धान अपने आप है, धन धान है जी जी जी, धान से कूट के चावल निकलता है। भगवान विष्णु की कमर पेटिका कह लीजिए, श्री वल्लभ की कमर पेटिका कह लीजिए, इसको अनुराधा से जोड़ के देखा गया है। ये अपने आप में प्रॉस्पेरिटी देने वाला नक्षत्र है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो बृहस्पति शनि के नक्षत्रों में बहुत प्रसन्न भी होते हैं। पुष्य नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं, अनुराधा नक्षत्र में प्रसन्न महसूस करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये अनुराधा का एक प्रसंग आता है जो विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के बारे में कहा गया है ये राधा की दो सहेलियां जो थी ललिता और विशाखा, ये वो हैं विशाखा। राधा की दो सखी थी ललिता और विशाखा, तो विशाखा उनकी सखी है और विशाखा को पूरा पीछे पीछे चल रही है अनुराधा। तो जो जो राधा का अनुसरण करे, राधा का अनुसरण अनुराधा जी जी, जो राधा का अनुसरण कर रही है वो अनुराधा है। तो आगे आगे विशाखा चल रही है और राधा उसके अनुसरण में है। यहां से प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है, जैसे कि रोहिणी अनुराधा, ये इस प्रकार के नक्षत्र हैं जो प्रेम को दर्शाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। बृहस्पति का अनुराधा नक्षत्र में आना अपने आप में शुभ घटनाएं लेके आएगा। क्यों, अगर इसको देखें तो बृहस्पति अगर अनुराधा वृश्चिक में है और अगर हम वृश्चिक राशि को लगन मान लें तो सेकंड लॉर्ड इन लगना है और फिफ्थ लॉर्ड इन लगना है जी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मेरा धन मेरे पास आ रहा है,
फिफ्थ लॉर्ड इन लगना मुझे राज्य पद की प्राप्ति हो रही है, मुझे बालक अपने संतान के लिए कोई समाचार मिलने वाले हैं। द लग्न द सेकंड लॉर्ड इन लगना कि अपना मैं धन योग भी है। द फिफ्थ लॉर्ड इन लगना ऐसा व्यक्ति राज्य पद प्राप्त करता है, मंत्र प्राप्त करता है, पुत्र प्राप्त करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अनुराधा नक्षत्र में जो बृहस्पति का प्रवेश है ये अपने आप में ईश्वर ने चाहा तो अच्छे संकेत ही लेके आएंगे। विशाखा में बृहस्पति का गोचर थोड़ा परेशानी भरा था क्योंकि ये इंद्राग्नि थी, मैंने बताया था इसमें इंद्र भी छुपे हैं, अग्नि भी छुपे हैं। बरसात के अंदर कहाँ पे बिजली चमक जाए इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अनुराधा जो है, फिर अनुराधा के स्वामी कौन है? अनुराधा के स्वामी है मित्र। सूर्य के जो 12 नाम है उसमें एक सूर्य का नाम मित्र भी है जी। तो यहाँ पे इसमें एक परिहार भी बनता है कि अनुराधा से और ज्यादा शुभ रिजल्ट लेने के लिए, और ज्यादा अच्छे परिणाम लेने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए या सूर्य को दर्शन करने चाहिए, और ओम मित्राय नमः भी पाठ करने से अनुराधा नक्षत्र के काफी शुभ परिणाम मिलने को दिखे। फिर दूसरा इसका अगर हम देख रहे हैं तो ये प्रेम का भी प्रतीक बताया गया है। तो ईश्वर ने चाहा तो लोगों को इस समय जो अपनी जो वस्तु है उनके नजदीक आने का भी इस समय मौका मिलेगा। फिर इसके बाद ज्येष्ठा का हम अगली बार जरूर करेंगे, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। मुख्यतः हमारा यहाँ पे अनुराधा था। अनुराधा का कोई और चित्र, जो जोड़ियक का चित्र एक बार वो शेयर कर देंगे। देखिए ये देखो अपने आप में कमर पेटी का जैसा ही दिखाई दे रहा है, ऐसे घूम के जैसे बनी होती ना, इतनी सारी इसके अंदर स्पार्कल्स हैं। तो ये बता रहा है कि भगवान के चारों तरफ लिपटी हुई कमर पेटी का है। इस नक्षत्र की खूबसूरती आप देखने से बनती है, इसकी खूबसूरती। यहाँ तक के लिए नवीन भाई आपके कोई प्रश्न? नहीं सर, अभी तक कोई प्रश्न नहीं, मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा जी। धन्यवाद नवीन जी। फिर देखो, क्योंकि अभी तो हमने इस पर अनुराधा पे ही, आपने कहा कि अनुराधा को ही सीमित रखते हैं, यहाँ से फिर इसमें 12 लग्नों में इसके क्या प्रभाव रह सकते हैं, ये भी अपने आप में अनुराधा का ही चित्र है। भगवान की जो कमर पेटिका है या वो मणियों से जड़े हुए हैं, ये भी अपने आप में अनुराधा ही है। तो फिर 12 राशियों में बृहस्पति के वृश्चिक राशि में और विशेषकर अनुराधा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करने से क्या परिणाम रह सकते हैं, ये देखने के लिए फिर एक एक राशियों को हम इसमें शुरुआत करते हैं। जी नवीन जी। ठीक है सर, ये मेष लगन से है और हम गोचर लगन से देख रहे हैं चंद्रमा। हाँ, यहाँ पे लगन से देख रहे हैं। देखिए गोचर दो प्रकार से देखा जाता है, गोचर चंद्रमा से भी देखा जाता है, गोचर लगन से भी देखा जाता है। चंद्रमा से व्यक्ति के मानसिक प्रभाव कैसे रहेंगे वह बताता है। जैसे हमने एक पीछे एपिसोड किया था उसमें कहा त्रिपुरा सुंदरी है माललिता। तो त्रिपुर क्या है? त्रिपुर है चंद्र, सूर्य और लगन। ये त्रिपुर है, ये मेरा शरीर ही माँ के द्वारा अनुमोदित त्रिपुर है। तो लगन की महत्ता अपने आप में सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि गोचर लगन से भी देखना चाहिए और उसको प्रधानता भी देनी चाहिए। मेष लगन के ऊपर बृहस्पति अष्टम स्थान से जाएंगे, 12वें का स्वामी 8वें में रहेगा, 9वें का स्वामी 8वें में रहेगा। क्या संकेत देता है, क्या इसमें हो सकता है? एक, इस वक्त कुछ गूढ़ ज्ञान की बातें सीखी जा सकती है। अष्टम स्थान समाधि का है और बृहस्पति ज्ञान के कारण है। इसमें थोड़ा सा नकारात्मक क्या रह सकता है? माता पिता की सेहत के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 12वें का स्वामी 8वें में आपका जो खर्चा है, वैसे तो ये बोला गया है कि अगर 12वें का स्वामी 8वें में हो तो ऐसा व्यक्ति विष्णु भक्त होता है,
लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये 12वें स्थान को जागृत भी कर रहा है अपनी पंचम दृष्टि से, तो जाहिर सी बात है कुछ खर्चे जाने अनजाने में नकारात्मक चीजों में हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या आई कि इसमें माता पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और थोड़ा सा एकांत मुखी होकर समाधि अर्थात मतलब कुछ विशेष चीजों का पढ़ना और समझना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति लाभ स्थान का स्वामी होके और 7वें स्थान में आएगा और 8वें स्थान का स्वामी होके 7वें स्थान में आएगा। मुख्यतः ये अपनी दृष्टि लगन पे, तृतीय पे और 11वें स्थान पे बना के रहेगा, तो जाहिर सी बात है 11वां भाव इसका ज्यादा जागृत रहेगा। तो इसमें पार्टनरशिप आदि से समाचार मिलने की, लाभ मिलने की संभावना देता है। इसके साथ साथ इसमें जिन बालिकाओं के या जिन लोगों के विवाह संबंधी कोई दिक्कतें चल रही है, ईश्वर ने चाहा तो वो भी समय पूरी होने की उम्मीद कर सकते हैं इस समय पे। दूसरा, इस समय पार्टनरशिप से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए क्योंकि अष्टमेश सप्तम स्थान में, तो थोड़ा सा अपने साझीदारों से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। बृहस्पति के दो गुण बताए गए हैं शास्त्र के अंदर, बृहस्पति जहां बैठते हैं उस चीज को संकुचित कर देते हैं और जहां दृष्टि देखते हैं वहां पे ज्यादा फैला देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि एक ग्रह के कैसे कैसे फल देखने चाहिए, जहां बैठा हो वहां से देखने चाहिए, जहां देखता हो वहां से देखना चाहिए। लाभ स्थान का स्वामी अगर 7वें स्थान में बैठेगा तो जाहिर सी बात है इसमें साझेदारियों से लाभ बनाने के योगदान देता है। जी नवीन भाई, मेरा एक प्रश्न है इसमें कि जैसे अभी गुरु शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र अनुराधा में, और शनि खुद भी गुरु की राशि में, हाँ शनि खुद भी गुरु की राशि में, तो इसका कोई विशेष प्रभाव होगा इस नक्षत्र चेंज से? देखिए दो तरह के प्रभाव से, जो पराशर ने 5 से 7 तरह के संबंध बताए, एक दूसरे को दृष्टि दें, एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, एक दूसरे के नक्षत्र अदली बदली कर लें, एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, एक दूसरे के भाव में जाके बैठ जाए। ये कहते हैं ये फिर एक दूसरे की केयर रखते हैं। शनि नैसर्गिक कर्म का प्रतीक है, दशम और एकादश जी, कर्म और उससे मिलने वाले लाभ। बृहस्पति भाग्य, फॉर्चून और धर्म का प्रतीक है। अगर ये बृहस्पति शनि की राशि में, शनि के नक्षत्र में है और शनि बृहस्पति की राशि में, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करेंगे। जी नवीन भाई, ठीक है सर, आगे देखते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए व्यापार में थोड़ा सा दिक्कतें देता है, उसका कारण क्या है? दैनिक रोजगार 7वें स्थान से देखा जाता है और 10वां स्थान भी आपके पद और प्रतिष्ठा का है। दशम स्थान का स्वामी जब 6ठे स्थान में होता है, हमारे गुरु कहा करते थे कि इन लोगों को लेबर के कारण से, अपने साथ काम करने वालों के कारण से थोड़ी दिक्कतें जरूर आती हैं। लेकिन बृहस्पति में यहाँ पे एक खूबी है कि ये 6ठे स्थान में होकर भी 10वें स्थान को देखते रहेंगे, तो व्यापार को बंद नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसमें कोई परेशानी आ सकती है और इसी प्रकार से जीवन साथी से भी थोड़ा सा दिक्कतें इस समय बनी रह सकती है। तो इन लोगों को लिए थोड़ा सावधानी रखना चाहिए और अपने संबंधों को सुधार के चलेंगे तो काफी अच्छा। कर्क राशि नवीन भाई,
कर्क राशि के अंदर जो बृहस्पति हैं वो नवमेश और षष्टेश बनकर पांचवें स्थान में बैठे हैं। नवमेश होके पांचवें स्थान में बैठे हैं तो विदेश से और पिता से लाभ लेके आते हैं, और षष्टेश छठे भाव के स्वामी होके अगर वो पांचवें स्थान में बैठे हैं तो बच्चों के लिए, संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा सावधानी बताते हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान से रखिएगा नई योजनाओं के लिए भी, और क्योंकि पांचवां स्थान हमने कई बार इसमें अनुभव में लिया है, पांचवां स्थान दसवें से आठवां स्थान है, अचानक से ये व्यापार में भी एकदम से कभी कभी परेशानियां लेके आते हैं। तो इसमें अपनी नई योजनाओं के लिए थोड़ा विशेष ध्यान रखें, और संतान पक्ष से थोड़ा सा इनकी बच्चों की इच्छाएं जरा पूछते रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि में देखिए, जब आठवें का स्वामी जब चौथे स्थान में आता है तो ये अपने आप में पुरानी संपत्ति को रेनोवेट करवा के नई संपत्ति बनाने का योग बनाता है। एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव, अगर पांचवें का स्वामी चौथे स्थान में आता है तो संतान की मदद से, बालकों की मदद से नई संपत्ति देता है। तो इसमें क्या लाभ हो सकता है कि कोई गाड़ी, वाहन नया आ सकता है, संपत्ति, भू संपत्ति बन सकती है, लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए माता जी को, विशेषकर पाचन क्रिया और उनके लिए श्वास प्रणाली, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी तो वैसे भी दीपावली आएगी और बहुत सारा स्मोक भी रहेगा, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के अंदर जो बृहस्पति हैं वो चौथे के और सातवें स्थान के स्वामी बन के तीसरे स्थान में रहेंगे। शास्त्र कहता है कि अगर चौथे का स्वामी तीसरे स्थान में होता है, थोड़ा सा ये संपत्ति के लिए भाई बहनों में विचार में भिन्नता पैदा करता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई बहनों के साथ किसी संपत्ति के विवाद में ना पड़ जाए, परेशानी ना बने। हाँ, इतना जरूर है कि पार्टनरशिप से और साझीदारों को ये काफी मजबूत करता है और उनके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ने के संकेत देता है। इसके साथ साथ तीसरे स्थान में जब बृहस्पति गोचर करते हैं, हमारे गुरु कहा करते थे कि ये आपको शोल्डर पेन और सर्वाइकल पेन का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी अपने भाई बहनों से विवाद से बचें किसी संपत्ति के विवाद से। तुला राशि, तुला राशि में जो बृहस्पति महाराज हैं या जो हमारे बृहस्पति देव हैं, वो तीसरे के और छठे स्थान के स्वामी बनते हैं। तुला राशि के लिए बृहस्पति काफी शुभ नहीं माने जाते, एक नैसर्गिक इनमें शत्रुता भी होती है और इसके पास दोनों ही स्थान उपचय स्थान है। तो जब छठे का स्वामी दूसरे स्थान में बैठता है तो धन के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं बताया गया। इसमें कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा पैसा निकालने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, थोड़ा झगड़ना भी पड़ता है। तीसरे स्थान का स्वामी जब दूसरे स्थान में बैठा होता है, पराशर इसको ठीक नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि इनको अपनी चीजों से ज्यादा दूसरों की चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, मतलब कि अपने किए हुए काम थोड़े इतने वो नहीं अच्छे लगते कि भाई ये बहुत अच्छा है, वो सामने वाले की चीजें इनको ज्यादा अच्छा। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तुला के बाद आते हैं वृश्चिक। देखिए वृश्चिक के ऊपर तो ये सारा का सारा गोचर ही है, इसमें पांचवें के स्वामी और दूसरे के स्वामी लग्न में। जैसे शुरुआत में हमने बोला था पांचवें के स्वामी अगर लग्न में तो ये वैसे राजपद भी देते हैं और पुत्र के द्वारा कोई समाचार भी देते हैं। दूसरे के स्वामी लग्न में तो अपना पैसा अपने लिए भी खर्च करवाते हैं,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इनकी दशा भी है तो इस समय अपने लिए पैसा इकट्ठा होगा, बच्चे को लेके थोड़ा सा नए समाचार मिल सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें लगन में आए हुए बृहस्पति थोड़ा कंजूस भी बनाते हैं, अच्छा ये है, बुरे खर्चे या अनावश्यक खर्चों से बचेंगे। लगन में बृहस्पति थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये थोड़ा पाचन क्रिया को बिगाड़ते हैं, तो इसके लिए जब मैं परिहार खंड में आएंगे तो फिर इसमें बता दें। धनु राशि, धनु राशि के लिए बृहस्पति का 12वें स्थान में गोचर और ठीक इसी पीरियड के अंदर आपका चतुर्थेश का 12वें में जाना, धनेश का बार लग्नेश का 12वें में जाना, ये मानसिक पीड़ाएं बताता है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बताता है। देखिए कोइंसिडेंसली आज ऐसी घटना देखने को भी मिली, सुनने को भी मिली, पिछले 4-5 दिन से कोई कार्य था, तो चतुर्थेश 12वें में है तो प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए थोड़ा सा जोड़, परिवार को जोड़े रखने के लिए थोड़ा सा परेशानी तो बताते हैं। अब ज्योतिष यहाँ पे बहुत ही काम आता है, जब आपको पता है कि इस प्रकार का गोचर चल रहा है तो आप यहाँ पे बहुत संयम रख के बातचीत करेंगे, बहुत समझदारी से बातचीत करेंगे, घटना को टाला नहीं जा सकता लेकिन उसकी तीव्रता को कम करने की कोशिश करेंगे। आज इसी तरह के दो उदाहरण हमारे ऑफिस में देखने को मिले, किसी को बताया अभी आप एक काम कीजिए 15 तारीख तक जस्ट कीप टेप ऑन योर फेस, चुपचाप से बैठे रहिए, ज्यादा परेशानी मत कीजिए, गोचर को बदलने दीजिए क्योंकि दशा भी उसी ग्रह की है जिसका हम बातचीत कर रहे हैं, अभी थोड़ा सावधान है, उनको भी समझ आया वो समझ, थोड़ी देर बाद हमें भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये वाला गोचर शायद हमें भी इफेक्ट करेगा, बहुत सावधानी से बहुत पोलाइटली से ऐसे बाल के बराबर चीजों को रोका जाता है, घटनाओं को उस तरीके से हमने अपने आप को आगे निकाला, वरना जरा सी देर के अंदर वो स्पार्क बन जाता है। ये ज्योतिष का देखो, ए एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट, मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है ऐसा सच ना भी हो, ए एस्ट्रोलॉजर कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट ही कैन एडवाइज हाउ टू चेंज योर फ्यूचर। अगर ज्योतिषी भविष्य बदल सकता है तो ये तो अपने आप में कोई बहुत बड़े सिद्ध है, हाँ, लेकिन वो कैसे भविष्य बदला जा सकता है इसमें आपको थोड़ी सहायता कर सकते हैं। भविष्य तो आपका स्वयं का है, अनंत है। एक बृहस्पति का एक नाम गुरु भी है, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। जब नारद जी ने उनको अपनी इंद्र से मिलवाया तो क्या कहा, मैं आपको एक मार्गदर्शक देता हूँ, गुरु देता हूँ, तो वो आपको केवल एक, अभी तो गुरु के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें सुनने को भी मिल रही हैं, तो हम चलो इसको हम मार्गदर्शक कहते हैं, तो वो आपको एक रास्ता, दो ऐसी चीजें हैं जो ना कहीं जाती है ना कहीं आती है लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है, एक है रास्ता और एक है गुरु। तो अगर वो योग्य व्यक्ति है, आपका मार्गदर्शक योग्य व्यक्ति है, तो कम से कम आपको ये तो बता रहा है कि हाँ थोड़ा इसके लिए थोड़ा संभल के चलना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना है इस पीरियड में, मेरा अपना निजी अनुभव है ये, और इनको धन के लिए और इनको संपत्ति के लिए या घर में उठने वाले विवादों के लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं और 11वें में आए हुए हैं, धन भाव के स्वामी हैं, 3रे भाव के स्वामी हैं और 11वें में आए हुए, तीसरे भाव के स्वामी का 11वें में आना भाई बहनों के द्वारा कोई काम में सहयोग बताता है, और तीसरे भाव के स्वामी का 11वें में आना अपने प्रयासों से कोई नए एडवेंचर बिजनेस एंडीवर्स लगाने के बारे में बताता है, 12वें भाव का स्वामी 11वें में आना
कोई ये बताता है कि आपकी जमा अवधि पूरी हो गई है, वो आपको मैच्योर होके मिलने वाली है। बारहवें भाव का स्वामी ग्यारहवें में आना विदेश से आने वाले सहयोग को, पैसे को, धन को बताता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि में बृहस्पति मेरे हिसाब से अच्छा फल देना चाहिए, शास्त्र भी यही कहता है। इसमें धन का स्वामी है बृहस्पति को मिला है, एकादश के स्वामी है बृहस्पति, दशम में जाके बैठे हैं। अगर एकादश के स्वामी दशम में बैठेंगे तो व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि देते हैं। एक धन का स्वामी अगर दशम स्थान में आके बैठा है तो व्यापार और परिवार इन दोनों को मिलाता है, तो इसका अर्थ है परिवार के साथ मिलके व्यापार कर सकते हैं। इसमें एक परेशानी जरूर आती है, शास्त्र ये कहता है कि अगर धन का स्वामी व्यापार स्थान में बैठा हो तो थोड़ा पुत्र से दोष लगता है, तो हो सके तो अपने संतान जो साथ में जिनको व्यापार करा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अपने निर्देश तय कर लीजिए और उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये अच्छे संकेत ईश्वर ने चाहा तो देखने को मिलेंगे। मीन राशि, मीन राशि के अंदर दशमेश नवम में है और लग्नेश नवम में है। लग्नेश का नवम में जाना घर के अंदर बड़े उत्तराधिकार देता है, पिता के लिए थोड़ा नुकसान भी देता है, पिता के लिए थोड़ा सा सावधानी भी देता है। उसका कारण क्या है, लग्नेश का नवम में जाने से व्यक्ति अपने पिता के जैसे कर्तव्य निभाने की कोशिश करता है। पिता के होते हुए उनके कर्तव्य तो उन्हीं को निभाने चाहिए, हमें उनके सानिध्य से उनके आशीर्वाद से काम करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। घर में अगर कोई बड़े बैठे हैं तो उनकी पदवी पहले सर्वोपरि है, उसके बाद हमारी पदवियां हैं। तो इसमें जब लगन का स्वामी नौवें में जाता है ये पिता के लिए थोड़ा सा दोष लगाता है, किंतु वैसे भाग्यशाली होता है। और दशम भाव का स्वामी नवम में जाने से अपने आप में ये काफी व्यापार में और विदेश व्यापार के अंदर काफी लाभ दिलवाता है। तो ये कुल मिला के बृहस्पति का गोचर 12 राशियों के लिए रहेगा मिलन जी। इसके बाद आते हैं हम बृहस्पति के परिहार पे। बृहस्पति को समझने के लिए थोड़ा सा बृहस्पति की अगर वस्तुओं को समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बृहस्पति पीपल के पेड़ हैं, ओ बहुत सुंदर सुंदर। एक बृहस्पति का चित्र आपने पीछे दिखाया वो एक, हाँ देखिये बृहस्पति कितने अद्भुत हैं। हाथी से इनका विशेष स्नेह है क्योंकि जो गज है हाथी है ये वैभवता का प्रतीक है। और बृहस्पति ही तो गज केसरी योग बनाते हैं कुंडली के अंदर जी। गज केसरी हाथी का पालन करने वाला, हाथी का पालन कौन आसानी से कर सकता है, वो तो कोई राजा ही होगा जी। अगले चित्र दिखा लीजिए, केले के पेड़, पीपल के पेड़, जनेऊ, बृहस्पति जनेऊ, बृहस्पति का मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक और पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग की मिठाई, तुलसी की माला, ये सब बृहस्पति की वस्तु है क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देने वाला ग्रह है। तो अब बृहस्पति के जो अनजाने में अगर कोई प्रभाव ऐसे रहे जो हमें परेशान करें उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों को, मंदिर को दान दें, अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान देंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। पीली वस्तुएं मतलब कि आपका बेसन के लड्डू, एक विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक, एक
कंठी की माला, तुलसी की कंठी माला, ये सब किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाके दान कीजिए, जिससे वो उसके द्वारा पाठ कर सके। विद्यालयों में सहयोग कीजिए, गरीब बच्चों के लिए पढ़ने की वस्तुएं दान कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए, पार्क में सुबह घूमने जाएं तो किसी बुजुर्ग के साथ दो मीठी बातें जरूर करिए, पीपल के पेड़ की सेवा जरूर कीजिए। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत सारी ऑक्सीजन देता है, और बृहस्पति साफ हवा का स्वामी है, ऑक्सीजन के ऊपर बृहस्पति ही रूल करता है। ज्ञान जरूर बांटिए, जितना लोगों में हो सकता है, लोगों को अच्छी उपदेश, अच्छे संदेश उनको देने की कोशिश कीजिए, जिससे लोग आपस में जुड़ के रह सके। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का पाठ कीजिए, ओम गुम गुरुवे नमः का पाठ कीजिए। धनु लग्न के लिए विशेषकर, क्योंकि धनु लग्न से बारहवें में है, इसमें लग्नेश और चतुर्थेशों के बारहवें में रहेंगे, इनके लिए विशेषता, अगर ये किसी ऐसे स्थान पे जाके कोई बृहस्पति की वस्तुओं का दान करते हैं जो ऊंचाई पे बने हुए मंदिर हैं, जैसे दिल्ली के अंदर एक कालका जी मंदिर है, थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, इसी तरीके से कोई मंदिर अगर थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है, अगर आपका वहां जाना पॉसिबल है तो वहां जाके कुछ दान करके आइए। बारहवां स्थान ऊंचे स्थानों का भी होता है, जहां चढ़ के जाना पड़े ऐसा स्थान बारहवां है। बृहस्पति धनु लगन के लिए बारहवें स्थान में गोचर करेंगे, तो ऐसे किसी ऊंचे स्थान पे जाके बृहस्पति की वस्तुओं का दान कीजिए। बृहस्पति का दान विशेषकर बृहस्पति की होरा में पंचमी दशमी पूर्णमासी तिथि पर और भी विशेष हो जाता है। गुरुवार के दिन इसका दान विशेष होता है, पुष्य नक्षत्र में इसका दान बहुत विशेष होता है, और गुरु पुष्य नक्षत्र में और भी अधिक विशेष हो जाता है। गुरु पुष्य नक्षत्र तो खैर इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति तो वृश्चिक में रहेंगे तो पुष्य नक्षत्र में तो नहीं गोचर रहेगा उनका, लेकिन हाँ कम से कम पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो उसके गोचर में भी बृहस्पति का दान अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। ग्रह की वस्तु, ग्रह का व्यक्ति, ग्रह की स्थान से हम ऊर्जाएं लेते हैं, तो ग्रह का आशीर्वाद हमें काफी मिलता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बृहस्पति को, जहां से हमने शुरू में समझा कि बृहस्पति की उत्पत्ति कैसे हुई, जो अंगिरस ऋषि थे उनकी पत्नी श्रद्धा ने एक विशेष मनोकामना से पुत्र मांगे, और अंगिरस ने अग्नि से विशेष मनोकामना से एक पुत्र मांगा कि मेधावी पुत्र चाहिए, और उस पुत्र को नारद ऋषि ने अंगिरस से मांग के उनको इंद्र को प्रदान किया कि आपके लिए मार्गदर्शक रहेंगे, तो जो लोगों को कुछ समझा सके, रास्ता दिखा सके, वह बृहस्पति है। और इसी से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। आप यकीन मानिए, बृहस्पति दशा के अंदर अगर देवगुरु ठीक से बैठे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो बहुत कुछ देके जाते हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, मैंने जितना पाया है, मतलब मैं ये कहूंगा मेरी औकात नहीं थी, मेरे को उससे बढ़ के उन्होंने दी। बृहस्पति बड़ा भाई भी है। आप बृहस्पति दशा में आप अगर किसी को अपना बड़ा भाई मान ले तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। संपत्ति, संपदा, धन, मेद, घी, बैंकिंग, ट्रेजरी, नीति मंडल, मंत्रिमंडल, ब्याज का पैसा, सूद को लौटाना, जमा अवधि पे जमा होने वाला धन, ये सब बृहस्पति के पास है। बृहस्पति कुंडली के त्रिकोणों को देखते हैं, तो जहां बैठे होंगे वहां से त्रिकोण को, कुंडली के अंदर त्रिकोण सबसे ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। लघु पराश्री, लघु पराश्री क्या कहती है, कुंडली के त्रिकोण अति शुभ होते हैं। तो
कोई ना कोई राशि में बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं के तो त्रिकोण बनेंगे। लगन में बैठेंगे तो 1-5-9, दूसरे में बैठेंगे तो 2-6-10, तो कहीं अर्थ त्रिकोण, कहीं काम त्रिकोण, कहीं मोक्ष त्रिकोण, किसी ना किसी त्रिकोण को तो वो एक्टिवेट करेंगे, किसी ना किसी त्रिकोण से तो फायदा मिलेगा। ये मेरा, और ये अनुराधा में है तो और भी अच्छे रहेंगे। अब नवीन जी आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। सर कोई विशेष परिहार? विशेष परिहार, विशेष परिहार में बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम संकल्पित करके अगर करा जाए, विष्णु सहस्त्र नाम संकल्पित करके करा जाए, जिसमें कि बृहस्पति का जो अंक है वो 5 है, 5 ब्राह्मणों को बैठा के विष्णु सहस्त्र नाम संकल्पित करके किया जाए तो इसमें काफी लाभ मिलता है। और दत्तात्रेय महाराज वो गुरु ही है, दत्तात्रेय महाराज का पूजन किया जाए तो बहुत ही विशेष लाभ देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा के लिए, और आपने बहुत बहुत रोचक जानकारी दी और काफी कुछ आपने सिखाया है। बहुत बहुत click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos.